दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएम कुसुम योजना 2023 के बारे में। पीएम कुसुम योजना क्या है और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और कौन कौन आदमी इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार किसानों के हित के लिए समय समय विभिन्न योजनाओं को लाती रहती है। वही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों का उत्थान होता है। आज हम आपको किसानों के जुड़ी हुई पीएम कुसुम योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पीएम कुसुम योजना सरकार किसानों के उत्थान और उनकी स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं को लाती रहती है, जहां इस योजनाओं के जरिए किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। सन 2019 में किसानों को बेहतर लाभ देने के लिए ऐसी ही एक योजना लॉन्च की गई थी, जिसका नाम पीएम कुसुम योजना रखा गया था। आज हम आपको इस योजना से जुड़े हर पहलू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पीएम कुसुम योजना को सन 2019 में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई में होने वाली दिक्कतों को दूर करना था। बता दें कि आज भारत की कृषि भगवान भरोसे यानी बारिश के भरोसे रहती है। ऐसे में इस पीएम कुसुम योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप लगवाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी का बेहतर लाभ दिया जाता है। यह था सरकार का लक्ष्य पीएम कुसुम योजना की। यह है नई समय सीमा। पीएम कुसुम योजना के जरिए 2022 तक 30,800 MV सोलर क्षमता को पैदा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा था, लेकिन सन 2019 में इसे शुरू किया गया था, जिसके बाद कोविड के चलते यह योजना खासी प्रभावित हुई। ऐसे में ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे 3 साल और बढ़ाने का फैसला किया है, जहां अब नई समय सीमा के अनुसार इस योजना का लाभ मार्च 2026 तक किसान ले सकेंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल की कुल लागत का 10% पैसा किसान को लगाना होगा। इसके बाद 30% हिस्सा किसान को केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। साथ ही राज्य सरकार भी इस योजना के लिए 30% की सब्सिडी प्रदान करती है। वही इस योजना के जरिए बाकी के बचे 30% की को भी किसान बैंक के लोन के रूप में ले सकते हैं। ऐसे उठाए पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in पर विजिट करना होगा, जहां इस वेबसाइट में इस योजना का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म को भरकर और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करके इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, अगर यह जानकारी लेने में या समझने में कठिनाई होगी या नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी समझा देंगे।